दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं रोहित और ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब का पेज है, एक इन्फो का। दोस्तों, आज जो बात करने वाले हैं, मैंने इसका पहले आपको प्रीवियस जो हमारा वीडियो है FRP ट्यूटोरियल का, मैंने पहले ही आपको दे रखा है। और बहुत सारे दोस्तों ने हमें मैसेज किया कि सर इसका प्रैक्टिकल दिखा दीजिए, तो आज मैं जो बनाने वाला हूँ वो प्रैक्टिकल है। ठीक है, मेरे पास एक सैमसंग का सेट है, ठीक है, सैमसंग J7 नेक्स्ट, ठीक है, जिसमें दिक्कत क्या है तो FRP लगाए। तो अभी मैं इसमें बताऊंगा आपको कि इसका FRP कैसे तोड़ना है बाई कम्बिनेशन से, और अगर मल्टी फार्मेर है तो उसमें से क्या अनटिक करना है, या क्या उसमें टिक लगाना है, क्या हटाना है, क्या नहीं हटाना है, बाइनरी वर्जन क्या चेक करना है, कैसा डाउनलोड मोड पे क्या देखना है, ये सब पहलू हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, उस पर कमेंट्स डालिएगा अगर दिक्कत होता है तो। बाकी दोस्तों, हमारा इंस्टीट्यूट जो है मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, LED, LCD का टेक्निकल कोर्सेज करवाते हैं यहाँ पे। मैं आपको अपना एडमिन का नंबर एक बार दे देता हूँ, 9708441666, और ऐसे नंबर नीचे टेलीकास्ट भी होता रहता है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले रवि जी आइए पास में थोड़ा। दोस्तों, आपको करना क्या है, तो सबसे पहले सेट को डाउनलोड मोड पे लाना है। तो ये देखिए, मैंने इसे ऑफ़ किया, ऑफ़ करने के बाद इसे डाउनलोड मोड पे लेके आया, वॉल्यूम माइनस, होम और पावर से। अब यहाँ वार्निंग मोड पूछ रहा है, तो इसको वार्निंग कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये यहाँ बाइनरी वर्जन कौन सा दिखा रहा है, ये देखिए यहाँ बाइनरी वर्जन कौन सा दिखा रहा है, B4 दिखा रहा है। तो जो बाइनरी वर्जन दिखाएगा उस बाइनरी के अकॉर्डिंग हमें उसका फार्मवेयर लेना है, मतलब B इक्वल टू U, तो यहाँ B4 दिखा रहा है, तो हमें जो फाइल लेना है या कम्बिनेशन लेना है वो लेना है U4 का। ठीक है, दिक्कत? चलिए, सबसे पहले हमने सेट को डाउनलोड मोड पे लाया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये जो है हमारा, ये देखिए, ये U4 का मेन फाइल रखा हुआ है जो कि मल्टी पैकेज है, और यहीं पे हमने ये U4 का देखिए कम्बिनेशन भी रखे हुए हैं, तो इस कम्बिनेशन को हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया पहले, ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है। साथ ही हमने Z3X Pro ओपन किया, ठीक है, और सेट को हमने USB से कनेक्ट कर दिया, ये देखिए ये कनेक्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, Z3X Pro ओपन कर लेना है, ये देखिए दोस्तों कम्बिनेशन ये स्टैक्ट हो गया है। ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच। ये हमारा सैमसंग का जो प्रो बॉक्स है वो ओपन हो रहा है। बाकी दोस्तों, अगर आप बी वर्जन चेक नहीं करते हैं, ये देखिए दोस्तों, और एक चीज़ और आपको ध्यान देना है दोस्तों, अगर आप बाइनरी वर्जन नहीं देखते हैं या चेक नहीं करते, या उसके अकॉर्डिंग फाइल आप नहीं लेंगे, तो आप जब सेट को फ्लैश करेंगे तो उस समय आपके सेट में बाइनरी एरर आ जाएगा, तो उस चीज़ का ध्यान, खास ध्यान देना है। अब दोस्तों, यहाँ हमने मॉडल ले लिया J701F, जो डिजिटल मॉडल इसका है। मॉडल लेने के बाद अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले PDA पे क्लिक करना है, थोड़ा और पास करो। हाँ, ये PDA पे क्लिक किया, और यहाँ पे हमने जो यहाँ हमने फाइल रखा हुआ है डेस्कटॉप पे, ये कम्बिनेशन फाइल ले लिया, कम्बिनेशन लेके फ्लैश कर दिया। दोस्तों, इससे होगा क्या, तो हमारे सेट का ADB सोर्स जो है वो एनेबल हो जाएगा, मतलब हमें एक बैनरी प्लेटफॉर्म दे देगा, और जिसके द्वारा हम उसका सेटिंग में जाके उसका USB डिबगिंग को ऑन कर सकते हैं। फिर ADB सोर्स हमें मिल गया, और ADB सोर्स मिलने के बाद फिर हम उसे क्या कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं, या FRP बंद कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। जस्ट ये फ्लैश हो रहा है, वेट करना है हमें कुछ देर। बाकी दोस्तों, ये जो मेथड है ये FRP का मास्टर मेथड है। कोई भी सेट हो, चाहे वो नॉगेट वर्जन हो, मार्शमेलो हो, 18 सिक्योरिटी हो, नवंबर 17 सिक्योरिटी हो, कैलकुलेटर मेथड फेल हो जाए, या आपका
लॉन्चर मेथड फेल हो जाए या बाईपास का मेथड फेल हो जाए, वो सब पे ये भारी है। ये मात्र एक काम है, नॉर्मली अगर दिमाग लगाए तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है और इससे हमारा काम जो है इजीली हो जाएगा। इसके लिए आपके पास एक कम्बिनेशन फाइल होना चाहिए और एक एक मेन फर्मवेयर होना चाहिए। तो ये दोनों मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। साथ ही मेन फर्मवेयर जो है वो हमारे पास मल्टी पैक में है, रिपेयर फर्मवेयर। तो अगर वन पैक रहता तो फिर तो हमें इतना यानी दिक्कत नहीं होता, बट हमारे पास मल्टी फर्मवेयर है जिसके कारण थोड़ा दिक्कत होने वाला है। तो देखिए क्या होता है। यह हो रहा है यहाँ फ्लैशिंग, जस्ट वेट। ये देखिए दोस्तों, ये फ्लैशिंग डन हो गया, ठीक है। साथ ही अब फ़ोन में देखते रहिए, तो फ़ोन में एक अलग प्लेटफॉर्म आपको देगा, बैनरी प्लेटफॉर्म, ठीक है, फैक्ट्री बैनरी। जस्ट वेट, ये ऑन हो रहा है सेट हमारा। ये देखिए दोस्तों, फैक्ट्री बैनरी प्लेटफॉर्म दिया। अब साथ ही यहाँ अगर आप सिस्टम में देखें तो आपको एक ADB सोर्स मिल गया। ये देखिए, ये आपके सिस्टम में एक ADB पोर्ट बनाया है, ये सैमसंग USB है। मतलब हमारा जो हम कम्बिनेशन, जिसके लिए हम कम्बिनेशन से फ्लैश किए, वो काम हमारा हो गया। अब करना क्या है, तो यहाँ गो टू अनलॉक, ये ADB सोर्स यहाँ से हम ले लेंगे। ये कम्बिनेशन से फ्लैश करने के बाद दोस्तों, गो टू अनलॉक, अनलॉक में जाके आपको यहाँ से ADB सोर्स ले लेना है, ठीक है। और जस्ट एक बार निकाले और इसे हमने दोबारा लगाया। लगाने के बाद ये देखिए ADB पोर्ट शो कर दिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन देगा FRP रीसेट का, बट इस मॉडल में FRP रीसेट का ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम मॉडल चेंज किए, J710F एक और मॉडल लिया हमने, और यहाँ अनलॉक में जाके हमने ADB सेलेक्ट कर लिया इसका, जो हमारा मोबाइल है उसका ADB सेलेक्ट करने के बाद रीसेट FRP कर दिया, यस यस कर दिया। अब ये देखिए दोस्तों, ये FRP बाईपास हो गया। दोस्तों अगर हम कैलकुलेटर मेथड से अभी FRP करते तो इतना काम करने पे हमारा काम फिनिश हो जाता, बट हम कर रहे हैं किससे, कम्बिनेशन से। और कम्बिनेशन से फ्लैश करने के बाद हमें एक अलग प्लेटफॉर्म, बैनरी प्लेटफॉर्म दे देता है। तो क्या हम यूज़र कस्टमर को हम ऐसे में तो सेट नहीं दे सकते हैं, तो हमें ये मोड को हटाना पड़ेगा ना। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, फ्लैश करेंगे। अब देखिए दोस्तों, फिर हम जाके सही मॉडल लिए, जो हमारा सेट है यहाँ J701F मॉडल लेने के बाद, अब यहाँ पे अगर हम फ्लैश वन पैक से कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मल्टी से फ्लैश करेंगे तो उसमें एक फाइल होता है जो रीसेट कर देता है फ़ोन, वो रीसेट कर देगा। तो FRP अभी जो हमने किया, इससे FRP ऑफ नहीं हुआ है, क्या हुआ है, बाईपास हुआ है। फिर हम मल्टी फाइल से अगर फ्लैश कर दिए तो वो तो FRP फिर लग जाएगा। तो इसी इसके लिए हमें करना क्या है, तो फिर से हम बारी बारी फाइल लेंगे। तो यहाँ बूट में जाके हम यहाँ, ये देखिए यही फाइल है U4, सेम बैनरी का। ये U4 का हम BL फाइल ले लिए, PDA AP ले लिए, फ़ोन में CP ले लिए और CSC में CSE ले लिए। बट अगर हम अभी इसके द्वारा फ्लैश कर दे तो सेट में FRP दोबारा का लगा रह जाएगा। हमें करना क्या है, तो इसमें से जो रीसेट का सेक्टर है उसे हटा देना है। क्या करना है, तो ये देखिए AP पे क्लिक किए और यहाँ से यूजर डेटा हटा दिया, और CSE पे क्लिक किए ऑप्शन में और यहाँ से कैच और हेडन, ये तीन फाइल को हटा दिए। और फाइल को हटाने के बाद अब फ्लैश कर देंगे। अब दोस्तों हमारे सेट का FRP, एक बार पहले रिबूट टू फ्लैश, इससे डाउनलोड मोड आ जाएगा। ये देखिए
सेट डाउनलोड मोड पे आ गया और अब फ्लैश कर देना है। यह होने लगा फ्लैश। दोस्तों मैं इसका रिज़ल्ट आपको दिखा देता हूँ, साथ ही मैं इसका ट्यूटोरियल भी आपको बना के दिया था और आज इसका प्रैक्टिकल भी दिखा दे दिया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बेहतर लगा होगा। और FRP सैमसंग का अब किसी भी तरह का हो, ये मेथड से टूट जाएगा, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो बनाने के ये जो वीडियो मैंने बनाया है, इस प्रोसेस से हमारे सेट में एक प्रॉब्लम आया है। वो प्रॉब्लम है कि इसका वोल्टी गायब हो गया। तो अभी जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसका भी मैंने ट्यूटोरियल आपको बना के दे दिया था कि किसी सेट का अगर वोल्टी गायब हो जाए तो वोल्टी कैसे लाना है। अभी मैं उसका प्रैक्टिकल का भी वीडियो बना के दूंगा आपको, ठीक है। तो बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसका मैं रिज़ल्ट देखता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये फ्लैशिंग डन हो गया, ठीक है, और साथ ही ये हमारा सेट रिकवरी मोड में आ गया। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमें वाइप डाटा फैक्ट्री नहीं करना है, अभी पहले हमें रिबूट कर देना है। रिबूट करने के बाद जब हमारा सेट ऑन हो जाएगा तो हमें ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। उसमें क्या करना है, तो OEM अनलॉक को एनेबल करके जो ऑटोमेटिक रीस्टोर है उसे बंद कर देना है और उसके बाद हार्ड रीसेट करना है। अगर उसे पहले हार्ड रीसेट कर देंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सेट का FRP ख़त्म हो गया। बाकी वीडियो देखने के लिए दोबारा धन्यवाद। हम मिलेंगे दोस्तों अगला वीडियो में, मैं आपको इसका वोल्टी कंडीशन के बारे में बताऊंगा, जो कि सैमसंग के किसी भी सेट में अगर वोल्टी गायब हो जाए, और साथ ही एक आध प्रॉब्लम और उसमें बताऊंगा कि जैसे अभी जैसे इसमें क्या था, तो U4 था। अब U4 का इंडियन फाइल अगर नहीं मिल रहा है तो क्या उसमें वोल्टी आएगा? नहीं, आएगा। तो उस सिचुएशन में सेट का बेस कोई और उसमें इंडियन फाइल किसी और बेस का यानी बैनरी का डालना हो तो कैसे डालेंगे, ये सब बात हम करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। बाकी ये हमारा सेट ऑन हो रहा है, मैं आपको एक बार रिजल्ट दिखा देता हूँ। और दोस्तों ये वीडियो तो आपने देखा ही, धन्यवाद इसके लिए। बाकी अगला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्यों, क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अभी बात करेंगे, ये हमारा सेट ऑन हो रहा है, तो रवि जी थोड़ा वेट कीजिए आप। ये देखिए दोस्तों, इसका FRP स्किप करने के बाद ये यहाँ से फिनिश लेटर, ये हमारे सेट का FRP देखिए ख़त्म। और साथ ही दोस्तों एक दिक्कत आया सेट में, अब आपको करना क्या है, तो यहाँ से सेटिंग में चले जाना है और सेटिंग में जाके इसका अबाउट सॉफ्टवेयर बिल्ड नंबर पे 7 बार क्लिक करना है, डेवलपर ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। अब डेवलपर में जाना है और डेवलपर में जाके ये OEM अनलॉक को इनेबल कर देना है, ठीक है। और बैकअप एंड रीसेट में जाके ये देख रहे हैं ऑटोमेटिक रिस्टोर ऑन किया गया है, इसको हमें ऑफ़ कर देना है, बैकअप को ऑफ़ कर देना है और सेट को अब हार्ड रीसेट करना है। अब यहाँ पे देखिए इसका FRP जो है वो बंद हो गया, ठीक है। दोस्तों एक दिक्कत इस सेट में आया है कि यहाँ पे देखिए सेट का जो वोल्टी ही है, वोल्टी ही गायब हो गया। तो मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा वो बनाऊंगा कि इसमें वोल्टी कैसे लाना है, ठीक है। ये सेट U4 बैनरी का है, जिसका U4 का फार्मवेयर जो इंडियन फार्मवेयर है वो मिल नहीं रहा है, तो उस सिचुएशन में हम इसको वोल्टी कैसे बनाएंगे वो बात करेंगे हम आगे, ठीक है। बाकी दोस्तों अभी हमने बात किया कि सैमसंग के सेट में FRP अगर लगा हो, चाहे वो कोई भी सैमसंग का सेट हो, चाहे वो नोगेट हो, मार्शमेलो हो, या फिर कैलकुलेटर मेथड जिसमें फॉल्स आ रहा है, या FRP बाईपास नहीं हो पा रहा है, या 2018 सिक्योरिटी है जिसमें प्ले स्टोर सर्विस ब्लॉक यानी डिसेबल नहीं हो रहा है, तो उस सब कंडीशन में हम कैसे FRP को इसका तोड़ेंगे, ये मास्टर मेथड है। और दोस्तों देखिए, अभी हमने इसका FRP तो ऑफ कर दिया, साथ ही इसका वोल्टी गायब हो गया, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें वोल्टी कैसे लाना है, ठीक है। बाकी दोस्तों अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए और वीडियो देखिएगा ज़रूर। आई होप आपको वीडियो कारगर होगा और आपको हेल्प मिलेगा उस वीडियो से।
बाकी ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बाजू में एक बेल आइकन है, उसे ज़रूर प्रेस करें और हमारे नए वीडियो अपडेट्स पाते रहें। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।